प्रो कबड्डी सीजन 9 की 43rd मैच खेली जाने वाली है हरियाणा स्टीलर्स और पुनेरी पल्टन के बीच में। इस वीडियो में हम पूरी तरह डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस अपकमिंग मैच को। हर एक प्लेयर के बारे में जानेंगे, उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे, इस टीम की स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे, उसी के साथ साथ दोनों टीम्स की मोस्ट प्रोबेबल स्टार्टिंग सेवन भी जानेंगे। इन शॉर्ट पूरी तरह डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस अपकमिंग मैच को। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मुझे कई सारे लोग कई बार पूछते हैं कि उन्हें ड्रीम इलेवन के लिए टीम प्रेडिक्शन चाहिए, उन्हें टीम बनानी है ड्रीम इलेवन पे। तो टेंशन मत लो, आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के जरिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके @targetrank1 भी सर्च कर सकते हो, क्योंकि यहां पर आपको डेली मिलते रहेंगे एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए हुए ड्रीम इलेवन के लिए टीम प्रेडिक्शंस। तो देर किस बात की, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा स्टीलर्स के स्टार्टिंग सेवन के बारे में। हरियाणा स्टीलर्स के सेंटर में हमें दिखने वाले टीम के स्टार रेडर मंजीत और उनके साथ देते हुए राइट इन पे एक और स्टार रेडर होंगे मीतू शर्मा और लेफ्ट इन पे होने वाले हैं के प्रपंजन। डिफेंस की बात करें तो राइट कवर पे होने वाले हैं मोहित नांदल और लेफ्ट कवर पे होने वाले हैं जयदीप दैया। एंड फाइनली दो कॉर्नर्स की बात करें तो राइट कॉर्नर पे होने वाले हैं आमिर हुसैन बस्तामी और लेफ्ट कॉर्नर पे होने वाले हैं नितिन रावल। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुनेरी पल्टन के स्टार्टिंग सेवन के बारे में। पुनेरी पल्टन के सेंटर में हमें दिखने वाले हैं ईरानियन सुपरस्टार मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श और उनका साथ देते हुए टीम के स्टार रेडर राइट इन पे होंगे असलम इनामदार और लेफ्ट इन पे होंगे मोहित गोयल। डिफेंस की बात करें तो राइट कवर पे होने वाले हैं राकेश राम और लेफ्ट कवर पे होने वाले हैं संकेत सावंत। एंड फाइनली दो कॉर्नर्स की बात करें तो राइट कॉर्नर पे होने वाले हैं सोमवीर और लेफ्ट कॉर्नर पे होने वाले हैं फजल अत्राचली। प्रो कबड्डी में आज तक जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें हरियाणा स्टीलर्स और पुनेरी पल्टन अब तक 10 बार भिड़ चुके हैं, जिसमें से 4 मैचेस हरियाणा स्टीलर्स ने जीते हैं और 6 मैचेस पुनेरी पल्टन ने जीते हैं। आमतौर पर ऐसे होता है कि कोई रेडर किसी मैच में चल जाता है तो किसी मैच में नहीं चल जाता, लेकिन जरूरी यह है कि अगर आपका स्टार रेडर नहीं चल पा रहा हो तो बाकी के रेडर्स रेडिंग में पॉइंट स्कोर करें। हरियाणा स्टीलर्स की टीम में मंजीत इस टीम के स्टार रेडर है। मंजीत का अगर शुरुआती कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस देखे तो वो काफी बढ़िया था, जहां पर हर मैच में उनका स्कोर डबल डिजिट में हुआ करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे मंजीत भी उतने पॉइंट स्कोर नहीं कर पा रहे थे और ऐसे में मीतू शर्मा ने काफी बढ़िया साथ दिया मंजीत का, जहां पर उन्होंने लास्ट मैच में पूरे 13 रेड पॉइंट्स कमाए थे। तो फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा स्टीलर्स के पास एक नहीं अब दो स्टार रेडर्स बन चुके हैं, मीतू शर्मा और मंजीत। वैसे थर्ड रेडर के तौर पर लास्ट दो मैचेस से हम वहां पर के प्रपंजन को देखते आए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली के प्रपंजन के द्वारा भी उतने ज्यादा पॉइंट स्कोर नहीं किए जा रहे। अब इन रेडर्स का मुकाबला होने वाला है पुनेरी पल्टन के डिफेंस के साथ। पुनेरी पल्टन के डिफेंस में कॉर्नर्स तो सेटल हो ही गए हैं, राइट कॉर्नर सोमवीर और लेफ्ट कॉर्नर फजल अत्राचली बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। लेफ्ट कवर पे भी संकेत सावंत तैनात है, राइट कवर अभी तक उनका फिक्स नहीं हो पाया है। टू बी ऑनेस्ट, राकेश राम ने अब तक कोई एकदम इंप्रेसिव परफॉर्मेंस तो नहीं दिखाया है। एंड सीरियसली मैं नहीं जानता हूँ कि राइट कवर पे अभिनेश नादराजन क्यों नहीं खेल रहे, क्या इसका रीजन इंजुरी है या कुछ और है, फिलहाल तो कह नहीं सकते। अब मंजीत और मीतू शर्मा दोनों ही राइट रेडर्स है, यानी इस मैच में इनके सामने ही होने वाले है पुनेरी पल्टन के लेफ्ट कॉर्नर फजल अत्राचली। और ये बात तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि फजल अत्राचली के नीचे से बोनस लेना यानी शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। इन दोनों रेडर्स की कोशिश यही रहेगी कि वो फजल अत्राचली पे अटैक ना करे, वो या तो लेफ्ट इन पे अटैक कर सकते हैं या फिर राइट कवर पे अटैक कर सकते हैं या फिर भागते हुए राइट कॉर्नर की ओर जाए और राइट इन को टच करके निकल आए। इन तीनों में से कोई एक स्ट्रेटेजी अपनाते हुए हमें हरियाणा स्टीलर्स के रेडर्स दिख सकते हैं। वेरस पुनेरी पल्टन के रेडर्स की बात करें तो इस टीम के सबसे मेन रेडर असलम इनामदार तो ऑफ कोर्स बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर ही रहे हैं। लास्ट मैच में उन्होंने पूरे 13 रेड पॉइंट्स कमाए थे, बट सरप्राइजिंगली ईरानियन सुपरस्टार मोहम्मद इस्माइल नबी पक्ष इस सीजन में रेड पॉइंट स्कोर नहीं कर पा रहे। लास्ट मैच अगर उनकी देखे तो मोहम्मद इस्माइल नबी पक्ष ने एक भी रेड पॉइंट नहीं कमाया, उन्होंने केवल एक सुपर टैकल किया था लेकिन रेड पॉइंट एक भी नहीं कमाया। वैसे पुणे के पास एक और ऑप्शन है आकाश शिंदे के रूप में। आकाश शिंदे बहुत ही अच्छा रेड करते हैं, ये हम देख भी चुके हैं। तो हो सकता है कि अगर मोहम्मद इस्माइल नबी पक्ष का फॉर्म ऐसे ही रहा तो आकाश शिंदे आ जाए स्टार्टिंग सेवन में। खैर फिलहाल तो टीम के मेन रेडर असलम इनामदार ही है और असलम इनामदार एक लेफ्ट रेडर है और इनका मुकाबला होने वाला है हरियाणा स्टीलर्स के डिफेंस के साथ। हरियाणा स्टीलर्स की पिछली मैच का मैंने प्रीव्यू किया था, तब कई लोगों ने कहा था कि वो लोग लेफ्ट कॉर्नर पे नितिन रावल को खिला के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन लास्ट मैच में लोगों का ये डाउट भी दूर हो गया। लास्ट मैच में नितिन रावल काफी बढ़िया परफॉर्म कर गए, जहां पर उन्होंने पूरे 4 टैकल पॉइंट्स कमाए। इनफैक्ट लास्ट मैच में डिफेंस ही था जो काफी बढ़िया खेल गया था। राइट कॉर्नर आमिर हुसैन बस्तामी ने 3 पॉइंट्स कमाए थे, लेफ्ट कवर जयदीप दैया ने 4 पॉइंट्स कमाए थे, राइट कवर मोहित नांदल ने 2 पॉइंट्स कमाए थे। तो डिफेंस काफी बढ़िया खेल गया था हरियाणा का लास्ट मैच में, और अगर इसी फॉर्म में हरियाणा स्टीलर्स का डिफेंस इस मैच में भी उतरा
तो फिर असलम इनामदार के लिए और मोहित गोयत के लिए पॉइंट स्कोर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ एक ही डिफेंडर या दो डिफेंडर फॉर्म में चल रहे हैं, एक दो डिफेंडर खामोश है। नहीं, चारों डिफेंसिव पोजीशंस पे अच्छे डिफेंडर्स तैनात है और इस डिफेंस को तोड़ना पुनेरी पलटन के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल जरूर होने वाला है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि इसे तोड़ने का अगर पोटेंशियल किसी में फिलहाल मुझे दिख रहा है तो वो है सिर्फ असलम इनामदार में। प्रो कबड्डी सीजन 9 में हरियाणा स्टीलर्स अब तक 7 मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें से वो 3 मैचेस जीते हैं और 4 मैचेस हारे हैं। वेरस पुनेरी पलटन की बात करें तो वो भी अब तक प्रो कबड्डी सीजन 9 में 7 मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन वो 4 मैचेस जीते हैं और 2 मैचेस हारे हैं और एक मुकाबला टाई पे खत्म हुआ था। तो अब तक इस आने वाले मुकाबले के बारे में और इन दोनों टीम्स के बारे में जितना भी कुछ हमने जानने की कोशिश की, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन करने जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में जीत होने वाली है हरियाणा स्टीलर्स की। एंड यस, मैं जानता हूं कि पुनेरी पलटन के मामले में मेरा जीत का प्रेडिक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं कहता हूं पुनेरी पलटन नहीं जीतेगी और एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे वो जीत के दिखाती है। तो देखते हैं इस मैच में क्या होता है। आप लोग मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी। सो गाइज, ये था पूरा डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो इस अपकमिंग मैच का। आप लोग मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी। साथ ही में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। प्रो कबड्डी सीजन चैंपियंस की सीरीज देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और प्रो कबड्डी सीजन 9 टीम एनालिसिस सीरीज देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। मैं वेदांत पेदे मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।